एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। और आज जो मैं आपके आगे जो ब्लॉग लाऊंगी, ये ब्लॉग कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड नहीं है। आज मैं थोड़ा सा अलग आपके आगे आई हूँ एक नया सा ब्लॉग लेके। और आज मैं ना ये जो मेरे पीछे अलमीरा दिख रही ना आपको, ये उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी कि मैं यहाँ पर हूँ, तो समझ ही गए होंगे आप। तो इसे ना एक बार जो है पेंट कराया जा चुका है, लेकिन वो लुक नहीं अच्छा आया, उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। तो आज मैं इसका करूँगी मेकओवर, और जो करूँगी वो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो जो है बस इसके मेकओवर के लिए मैं जो चीज़ें लेकर आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो वॉलपेपर जिसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, और कैंची इसकी ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत है। और इसको ना मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो चलिए फिर इसकी कटिंग वगैरह की जाए। तो किसी भी चीज़ के लिए मेज़रमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसको एक नाप लिया है, और नापने के बाद मैं इसके उसे काट ले रही हूँ। और इस जो वॉलपेपर है ना, इसकी एक खासियत बहुत अच्छी लगी मुझे, पीछे ना ग्राफ दिया हुआ है, मतलब जैसे काटना हो वैसी आकृति वैसा नाप लेके हम बढ़िया से काट सकते हैं। और इसमें मुझे कटिंग करने में बहुत आसानी हुई, बहुत अच्छा रहा। और ये देखिए, एक जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक सामने जो मिरर लगा है ना, उसी के साइड में लगाना था, तो ये यहाँ पर इस ड्राफ्टिंग की वजह से कितना आसान हुआ मुझे ये काटना, बहुत अच्छा लगा। बस अब जो है यहाँ बैक साइड में भी, और थोड़ा सा उस तरफ दीवार की तरफ साइड में भी लगाना है, बस थोड़ा सा जो है बचा हुआ है। और बहुत आराम से, बहुत जल्दी ही, बहुत अच्छे से मेरा ये सेट हो चुका है।
और आप देख के बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा, देख के ही बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये रहा साइड से, ये तो ये है मेरी अलमारी का, बिल्कुल वुडन लुक आया है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे लकड़ी की अलमारी है, लेकिन ये अलमारी ना बिल्कुल वही गोदरेज वाली अलमारियां हैं जो पहले हमारे समय में मम्मी लोग के पास हुआ करती थी, और उसके बाद के ये हम लोग के हिस्से में आई है। तो कुछ इस तरह का ये लुक है। और बताइएगा कि आपको, और मेरी अलमारी क्या, मेरे कमरे का इस, ये कमरा ना बच्चों का कमरा है, और बिल्कुल इसका ना शो ही चेंज हो गया है। तो आज का मेकओवर बस इस अलमारी से रिलेटेड था, क्योंकि ये चीजें ना हमारी यादगार चीजें होती हैं, और गृहस्थी का सामान है, एक एक सामान को जोड़ना, एक एक सामान को बनाना बहुत बड़ी जो है, बहुत बड़ा एक इसके साथ हमारी यादें होती है ना, इसे सहेजना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने इसको सहेज लिया है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये अलमारी कितनी कीमती है हमारे लिए, और जो है क्योंकि अलमारी ही नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी न किसी चीज़ से रिलेट करती हैं क्या, तो जो है उनकी चीज़ों को संभालना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। और मैंने इसको सजा दिया है, आज बहुत सुंदर लग रहा है, और जो है आज बच्चे भी खुश हो गए। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और मैं बताऊँ, इसको सजाने में मुझे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 20 रुपये में कर लिया, मैंने 50 रुपये में मेकओवर किया है, या मैंने 100 रुपये में मेकओवर किया है। रियलिटी बताओ, बिल्कुल सच्ची बताओ मुझे, मैंने इसको 300 रुपये में खर्च किए हैं। ये 13,000 की अलमारी है, और आज मैंने इस 13,000 की अलमारी को डेकोरेट करने के लिए 300 रुपये खर्च किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये। क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी कि आज मैंने 20 रुपये में किया है, 5-10 रुपये में किया है, या 100 रुपये में किया। तो भाई आज के समय में जो है क्या मिलता है 20 रुपये में, क्या मिलता है 50 रुपये में, 100 रुपये की क्या चीज़ है, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूँगी, और जो जो चीज़ सही है मैं सिर्फ अपने ब्लॉग में, अपने वीडियोस में सिर्फ वही दिखाती हूँ। तो जो चीज़ है वही जो मैं दिखाऊंगी वो बिल्कुल ओरिजिनल दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक बाय बाय।